अबाबील जो मिसाइल है पाकिस्तान की, जो कि आज टेस्ट होनी चाहिए थी, रेंज से पता चलता है कि कौन सी मिसाइल टेस्ट करने जा रहे थे। 2200 किलोमीटर की रेंज है इस अबाबील की, और इतना ही लंबा इन्होंने नो टैम दिया था। ये अबाबील पिछली बार भी एक्सप्लोर कर गई थी लॉन्च पैड पे। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है मीडियम रेंज, इस बार भी इसने उड़ने से इनकार कर दिया, फेल हो गया टेस्ट इनका, क्योंकि नो टैम लगा हुआ था और नो टैम के टाइम पे टेस्ट नहीं की गई मिसाइल। और ऐसा भी नहीं कि इंडिया की तरह 5 नो टैम लगाने हो महीने में, तो 5 नो टैम में से एक टेस्ट नहीं की, ये तो कई महीनों बाद पहला नो टैम आया था, तो टेस्ट तो करनी थी, टेस्ट नहीं की गई। क्यों नहीं की गई ये जनाब खुद ही बताएंगे। ये मिसाइल जो है मल्टीपल रॉकेट्स, मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने के काबिल है, ऐसा बोलते हैं पाकिस्तानी। यस सर। एमआईआरवी जो चलता नहीं है, चाइनीज एमआईआरवी चलता नहीं है। चाइनीज खिलौने के बाद दुकान के बाद जाओ, बोलते बोलते थे, बोलते चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, गारंटी कुछ नहीं। चाइनीज अरसल वैसा ही है सर, कॉपी कर कर नकल कर करके अरसल बनाया, कितना चलेगा यार वो? रिलायबल की कोई, रिलायबल लुक्स लाइक ओरिजिनल बट इज नेवर नियर, इवन नियर टू ऑरिजिनल। अब ये जो यस मिसाइल, यस इसने सर, औकात प्लीज प्लीज। दिखाई ना, अपनी औकात दिखा दी ना, अपने चाइनीज बाप का पता देगी ना मिसाइल, चाइनीज बाप का पता देगी पाकिस्तानी बेटे को, क्या कहते हैं, बेटी को शोहर का पता देगी। अच्छा, वैसे चाइनीज शोहर आते हैं और ले जाते हैं वो बहुत सारी लड़कियों को वहां पे, तो वो तो शोहर है ही ना। अब जहां तक बात ये है कि सर, ये जो मिसाइल है, इसकी पहली बार टेस्टिंग पब्लिकली अनाउंस की गई थी जनवरी 2017 में, उसके बाद से इसके टेस्ट कितने हुए हैं कोई जानकारी नहीं है, और अभी तक तो ये टेस्ट फेस से नहीं आई, तो डिप्लॉयमेंट कहाँ, बहुत दूर की चीज है। और टेस्ट अनाउंस करने के बाद, एक नो टाइम देने के बाद टेस्ट नहीं हुई है, मतलब उड़ी ही नहीं है। सॉलिड प्रोपेलेंट था। अब सॉलिड प्रोपेलेंट में खूबी ये होती है कि अभी आप सॉलिड प्रोपेलेंट भर लीजिए और उसको आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर लिक्विड प्रोपेलेंट यानी कि हाइड्रोजन हो, तो उसको ऑन द स्पॉट भरा जाता है, उसको ठंडा अंदर ही रखा जाएगा, बहुत सारे पचड़े होते हैं उसमें। तो सॉलिड प्रोपेलेंट वाली अगर टेस्ट नहीं हुई है, तो मैटर सीरियस है, और इस सीरियस मैटर को हम भी सीरियसली ही ले रहे हैं कि भाई दोबारा नो टाइम कब लगाओगे, हमारी पैनी नजर होगी उसके ऊपर। इससे पहले की ये खबरें आई थी कि चाइनीज मिसाइल उड़ने से मना कर रही थी। पाकिस्तान के ये JF-17 और टैंक जो आते हैं, उनके रेडिएटर गर्म हो जाते हैं, यूएवी लिए थे वो ग्राउंड करने पड़े। ये चाइनीज माल कब तक ये पाकिस्तान गर्व फक्र से बोलता रहेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर वेपन्स भी चाइना तक नहीं आए। नहीं देखिए, उनपे तो खैर उनका जो कमांड एंड कंट्रोल है उसमें अमेरिका का बीच में हाथ है, जो न्यूक्लियर की जो चेन होती है, आप पता नहीं एक्सेस कोर्स है वो अमेरिकन के पास है, वो इनके लिए दिखाने के लिए, इनका सारा हथियार दिखाने के लिए होता है, टैंक हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो। अब मैं इसको ट्रैक नहीं पा रहा ये चाइना की कौन सी मिसाइल पे इन्होंने रंग किया था। इससे इससे जिहादियों की औकात हमें पता ही है, हमें पता लगती है चाइना की औकात। रोहित भाई जो इनकी औकात पता नहीं, देखिए टैंक का खैबर नाम रखने से खैबर थोड़ी ना होती, गाजी नाम रखने से गाजी थोड़ी ना हो जाएगी। वैसे जो गजनवी, मोहम्मद गजनवी आया था, आप गजनवी की हालत देखिए, गजनवी की हालत देखिए और सोमनाथ की हालत देखिए, अगर उसकी रूह कहीं होगी वहां भी काम जाएगी वो देख के, कि लूटा हुआ माल भी कहीं काम नहीं आया। खैर वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चाइना का आर्सेनल कितना अनरिलायबल है, चाइना कितना अनरिलायबल है मिलिट्रीली, वाई चाइना डजंट फाइट अ वॉर, और उसकी उसी चाइना के दम पे ये लड़ेंगे। देखिए एक बार तो कहते थे ना, मिसाइल चाइना देगा, दूल्हा चाइना देगा, नौकरी चाइना देगा, सीपेक चाइना बनाएगा, पैसा चाइना देगा, हथियार चाइना देगा। अब आगे मैं बोल सकता हूँ पर बोलने नहीं चाहता, पर वही चाइना के यहाँ देखिए, सारा चाइना का डूब रहा है और दिल पाकिस्तान में टूट रहा है, सारा चाइना का डूब रहा है, दिल पाकिस्तान में टूट रहा है, कनेक्शन तो समझिए रोहित भाई, गहरा गहरा कनेक्शन है। राइट सर, देखिए रोहित भाई दो चीजें हैं, जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसको कटोरा तो हाथ में लेना पड़ेगा। देखिए ट्रेनिंग का पार्ट ये भी, हाउ टू हैंडल कटोरा, आरपीजी, क्लाश्निकोव, पिस्टल, रिवॉल्वर, ये कटोरा हैंडलिंग भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, कटोरा लेके पहुंच गए। अब जो मेरे सोर्स मुझे बता रहे हैं, मुझे पता लगा है कि ये जो डील लेके पहुंचे, देखो सोनी ने बोल दिया भैया हम पैसे नहीं देंगे, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए, कह रहा कुछ दे दो, कह रहा नहीं है, कह रहे हम आपकी रॉयल फैमिली के लिए, अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सुनिएगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हम आपकी फैमिलियों के लिए PSO देंगे, कितने, 3,000 हमारे कमांडो, ये सब जो भी है जिन्हें कमांडो कहते हैं, और ये आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, आपके साथ चलेंगे चलेंगे, और आप हमें साल में $450 मिलियन दो डील। 3,000 पाकिस्तान के इलीट सैनिक, विच इंक्लूड्स कमांडोज, इन रिटर्न ऑफ $450 मिलियन सर ईयर, तो साल का कितना हो गया, साल को हो गया $30-35 मिलियन, $35 मिलियन में हम आपको 300 लोग, ये डील करके गए, ये डील करने आसिम मुनीर गए वहाँ पे, ये भीख मांगने का नया तरीका है। देखिए हमारे रेड लाइटों पर कुछ बेचारे आजकल भीख मांगते, वो कहते हैं सर आप पेन ले लो, पेन नहीं तो पेन ही ले लो, ये वो वाला स्टाइल, जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल, कमीज नहीं तो कॉलर भी चलेगा, ये वो स्टाइल, ये नया तरीका इन्होंने निकाला पैसे लूटने का, हम आपको लोग देंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ PSO देते हैं, क्या वो सऊदियों के लिए आप गाड़ियाँ और दरवाजे खोलेंगे, कल को तो हाउसकीपिंग स्टाफ में के बिजनेस में भी आ जाएंगे। वैसे भी रोहित भाई 4G तंजीम ही नहीं है, 4 तंजीमें हैं पाकिस्तान में जो 4G कंट्रोल है, शाहीन है, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दो और हैं, तो
अब कहीं इन्होंने ये मैन पावर का बिजनेस भी तो शुरू नहीं कर दिया ना, कहीं लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी शुरू कर दिए हो, क्या पता।